What about Hakona pizza? लास्ट कंटिन्यू आ रही है भाई साहब, मणिकर्णी का घाट पे इस वक्त, और क्या माहौल है, मतलब एकदम सुनसान सा माहौल, भीड़ है, बस लाशें आ रही है, देख लाशें आ रही है, जल रही है, आ रही है, जल रही है, कंटिन्यू लाशें आ रही है। अभी हमको 5 मिनट हुए हैं और 5 लाशें आ गई होंगी लगभग, और लकड़ी बहुत सारी आ रही है। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे चीता तैयार हो रही है, ये बंदा चीता तैयार कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है ये। और अब यहाँ पे मेरे को ना, यहाँ पे एक चीता जल रही है, पैर मेरे को दिख रहा है, मतलब एक अजीब सा फील हो रहा है। ये है पूरा मणिकर्णी का घाट भाई साहब, बहुत वीडियो देखे, बहुत इसके बारे में सुना, मतलब बहुत इसकी हिस्ट्री जानी, बहुत चीज़ें पढ़ी सुनी देखी, आज फाइनली मणिकर्णी का घाट पे कुछ ऐसा माहौल मन को विचलित कर देगा भाई, अगर आप यहाँ आए ना, सच में अब कभी गांव में किसी की डेथ हो जाती है, शमशान में जाते हैं वहाँ में, तो वहाँ मन विचलित हो जाता है। यहाँ हर तरफ चीता जल रही है, मेरी आंखों के सामने एटलीस्ट 10 या 12 चीता जल रही है, और हर वक्त तैयार भी हो रही नहीं। भाई साहब खड़े खड़े 10 मिनट नहीं हुए, अभी और 10 लाशें आ गई हैं। परम शक्ति की अनुभूति करनी हो तो यहाँ आए, यही है परम शक्ति। भाई मेरी रूह कांप गई, रूह मैं बता नहीं सकता, मेरी रूह कांप गई, एक कदम दूर नहीं, मेरे एक इतनी दूर है लाश थी, इतनी जस्ट लाश में कहाँ जा रहा लाश, बता नहीं सकता। यहाँ हम खड़े हैं, ये देख लो पीछे बोर्ड देख, ये देख लो एक वो एक वो, अरे हर जगह है, हर जगह, हर जगह, ये हर जगह, ये इस साइड, मतलब हर जगह आपको यही चीजें मिलेंगी। राम नाम, राम नाम, राम नाम, सत्य है। भाई इस वक्त मेरे पीछे मणिकर्णी का घाट है, और मैं क्या बोलूं, कोई शब्द नहीं है भाई, सुन हो गया दिमाग सच में, दोनों का लाशें आ रही है, जल रही है, मतलब टाइम नहीं है, जो आदमी काम कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे, उनको चिता बनाने का टाइम मतलब नहीं है, निकल नहीं रहा, ये बनाई वहाँ चली, आगे बनाई चिता, इस टाइप से चल रहा है पूरा का पूरा पीछे सीन, भाई दिमाग को सुन कर देगा। मैं तो कहूँगा एक बार ज़रूर आएँ, आपको आखिरी सत्य का अनुभव करना है ना, वैसे अपन गाँव में जाते हैं कभी, अपने को किसी की डेथ हो जाती है तो जाते हैं, लेकिन अगर वास्तव में तुमको अगर कुछ ऐसा फील करना है ना, यहाँ आ जाना एक बार, ये पीछे भाई कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ लाशें आ रही है, जल रही है, बस लाशें आ रही है, जल रही है, टाइम नहीं है। अब बात ये है कि उनको कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं है लोगों को, बस सिर्फ लाशें जलानी, सिर्फ लाशें जल रही है, अंतिम संस्कार करना है, बस यही काम। क्या मणिकर्णी का घाट पे एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो एक इटली में एक वो है ना मीनार, जो शायद कहते हैं बहुत ज्यादा झुकी हुई है, उससे भी ज़्यादा झुकी हुई इस उस मंदिर को कहा जाता है जो मणिकर्णी का घाट है गंगा नदी के किनारे, पीछे देख सकते हैं ये कितना डिग्री झुका हुआ है। इस मंदिर का नाम मुझे शायद रत्नेश्वर करके था ना, ये सही था, रत्नेश्वर करके ऐसा कुछ नाम है इसका, और इसके बारे में बोलते हैं इसमें शायद मूर्ति नहीं है, इसकी पूजा वूजा नहीं होती, ये वो मंदिर जो मतलब रहस्य, इसके बारे में कुछ बहुत सारे रहस्य जो इतना झुका हुआ भी। यही वो गलियां जिन पे गाने बने हैं कि तू बन जा गली बनारस की,
गली गली में मंदिर है भाई, गली गली में मंदिर, जा कहाँ रहे हमको ये भी नहीं पता। अरे बनारस की गलियों पे बने हुए गाने मैंने और लादू ने, तब हुआ यूँ कि हम उन गलियों में घूम रहे हैं और वो गलियाँ इतनी पतली और कहाँ जाएगी कहाँ नहीं, हमको हमको कुछ पता भी नहीं है, बस जा रहे हैं आ रहे हैं। गूगल मैप तो कौन नहीं गया, बस जाएंगे जहाँ जाएंगे देखते हैं वही तो। और बाकी दूसरी बात ये है कि हम पूरी गलियाँ सही से बता भी नहीं पा रहे, बस ये है कि जो गाने बने उनमें जो बातें गई वो सच है, बाकी तुम आके देख लो यार, मेरे से नहीं बताई जाएगी। मैं खुद एक्सप्लोरर हूँ, व्लॉगर कम हूँ, एक्सप्लोरर ज़्यादा हूँ, मुझे देखने दीजिए, आप खुद आके देखिए भाई। बस राइट, अब बस इसने कहा, अब भाई ने कहा राइट मुड़ने का तो मुड़ने का, अब हमको कोई मतलब नहीं है क्या सही है का क्या गलत। भाई एक बार बनारस की गलियों में घूम जाना तुमको क्या बोले क्या, वो गाना रियल लगेगा, रियल लगेगा सच में। तुम्हारी गलियां तो एक ही गलती है, ये साथ ही गलत चुना है मैंने। तो समझा सब समझ गए। तो भाई आओ घूमो, हम नहीं बता पाएंगे यार, सॉरी, हमको घूमना है। ओके भाई, गाइस हाँ ऐसे देखने देना, देखना जो देखना है देख लीजिए भाई। अभी हमको समझ में आया कि ये गलियों का गाने क्यों बने, हम पूरा घूम एक चक्कर लगा लिया हमने लगभग आधे घंटे का, और घूम घुमा कर उसी जगह पे आ गए जहाँ से शुरुआत की थी। काशी विश्वनाथ बाबा गए, हाँ ये पीछे पीछे मंदिर काशी विश्वनाथ का। तो भाई साहब फाइनली फर्स्ट टाइम इसमें बैठ रहे हैं, ठीक है भाई। तू बच्चे का कैसे ये बता मुझे, तुझसे ये तो बंद होता नहीं है, और तू इसको कैसे पहनना है, सही से पहनना है, तैर के बाहर निकल, तुझे तैरना आता है ना। चलो देखते हैं, ठीक है स्टार्ट करते हैं बोटिंग गंगा नदी में। हर हर गंगे, हर हर गंगे। हेलो गाइस, तो ये है गंगा जी का घाट और यहाँ पर हम कर रहे हैं बोटिंग, बोट इज सेफ, बेस्ट लोकेशन। तो भाई साहब जो अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि कस्तूरी कस्तूरी हिरण का कस्तूरी बहुत सुगंध आती है, वो कुछ इस टाइप की होती है, मैंने पहली बार देखी है, मुझे पता भी नहीं था। प्रैक्टिकल आप करके एक बार, हाँ एक बार ये कर कैसे वो सुगंध वाला करो, ठीक है। इस हाथ में इसको रखा, अब इस हाथ को नीचे से रगड़ा, ठीक है, अब उस हाथ में सुगंध आ रही है, शानदार सुगंध आ रही है। तो ये चीज है भाई कस्तूरी वास्तव में, मतलब ये शरीर मेरे को एक बार तो अजीब सा लगा, मैंने कहा यार ये चूजे मुर्गी के चूजे टाइप कैसे है, अभी वो भी काटे हुए शरीर से कुछ शरीर से लग रहता है कुछ। बनारस की गलियों पे गाने ऐसे ही नहीं बने भाई साहब, देख लीजिए ये बनारस का एक नॉर्मल दिन है, कोई स्पेशल नहीं है, महादेव जी का आज मंगलवार भी नहीं है, फिर भी भाई साहब काशी घूम लिए, ज़्यादा नहीं घूम पाए, और मतलब काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए, और जो घाट थे सारे जो बने हुए यहाँ पे 45-50 घाट उन सबको देख लिया, उसके अलावा जो बोट में घूमना होता वो कर लिया, इसके अलावा क्या किया रहे, मणिकर्णिका घाट और गलियाँ बहुत सारी घूम ली, बहुत सारी गलियाँ, और तो क्या किया रहे, और वो जो अभी ट्रेन है, और बहुत सारा जो करना था कर लिया, क्योंकि सब कुछ दिखा नहीं पाते भाई, एक्सप्लोर करना होता है। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे अभी दिमाग में कि यार सही से और देखना है, तो उसमें यही है कि कुछ चीज़ें अधूरी छोड़ के जाओ तो वो शहर वापस बुलाता है, वापस आना है, तो बुलाएगा अपने को कभी,
बाबा काशी विश्वनाथ तो आएंगे जरूर। तो भाई अभी के लिए तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं शिव मिलते हैं बहुत जल्द किसी और दोस्तों के साथ। टाटा बाय बाय शिव।